अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्केजेड फैशन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू रेमेडी, और ये रेमेडी आपको बहुत ही जो सा फ़ायदा पहुँचाएगी आपके चेहरे पर। तो स्पेशली ईद के लिए मैं लेकर आई हूँ कि ईद से पहले अगर आप इसको 2 से 3 बार कर लेंगे, ईद में 2 या 3 दिन रह गए, तो अगर आप 2 से 3 बार कर लेंगे इससे पहले, तो आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा ग्लो आ जाएगा और बहुत ही आपके चेहरा जो आपका शाइनिंग करने लग जाएगा। तो सब आपसे पूछेंगे कि आपने क्या यूज़ किया है। तो इससे पहले कि मैं अपनी रेमेडी स्टार्ट करूँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और मेरी वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएँ कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए, इस रेमेडी के लिए मुझे 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है राइस फ्लोर, चावलों का आटा। ये देख सकते हैं आप, मैंने चावलों को अच्छे से ग्राइंड करके उसको छन्नी से छान लिया है। तो ये देखें, ये आटे नुमा बन गया है। मोटा मोटा दाना नहीं इसका हम लेंगे, वो फिर हमारा स्क्रब जो है वो अच्छे से नहीं बनेगा। बस ये ऐसे बिल्कुल सही है। और दूसरे नंबर पर मैंने लिया है दही, और तीसरे नंबर पर मेरे पास है नींबू। और लीमू जो है वो हम बहुत कम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारी स्किन जो है वो सेंसिटिव होती है। तो हमारी स्किन के लिए लीमू जो है वो ज़्यादा हम यूज़ करेंगे, अगर तो हमारी स्किन जल भी सकती है। तो सिर्फ हम इसमें जो है 1 से 2 कत्ते लीमू के इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो हम लीमू का 1/4 हिस्सा इसमें इस्तेमाल करेंगे। ज़्यादा लीमू हम ऐड नहीं करेंगे, लीमू हम बिल्कुल कम क्वान्टिटी में इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं चावलों का आटा लूँगी। तो फ्रेंड, जो हमारा ये पेस्ट है वो हमारा दही और नींबू के कतरों से ही बन जाएगा, हमें कोई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखें, ये तकरीबन 1 चम्मच मैंने लिया है चावल के आटे का, और दूसरे नंबर पर मैं ये दही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अब मैं लेमन जूस आपको डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे मैं सिर्फ ये आपके सामने इसलिए डाल रही हूँ कि आपको पता रहे कि इसके जो हम बीज हैं वो निकाल लेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ हम ये देखिए, ये बस इतना सा हम ऐड करेंगे, इसे ज़्यादा हम ऐड नहीं करेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा कितना अच्छा सा ये पेस्ट बन गया है, थिक सा। तो हम इसका, इसको अपने चेहरे पे लगा के तकरीबन हम 15 से 20 मिनट तक लगा रहने देंगे। उसके बाद हम इसका मसाज करेंगे, तो हमारा चेहरा बहुत ज़्यादा ग्लो करेगा। ये आप देख सकते हैं, ये जो आपको पता है चावलों का आटा भी अगर बना लेंगे फिर भी इसमें दाने दाने होते हैं। तो ये हमारी स्किन पर जो भी डर्ट वगैरह होगा वो अच्छे से साफ़ करके हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी कर देगा, और बहुत हमारी स्किन जो है वो ग्लो करने लग जाएगी। तो आप प्लीज़ ये रेमेडी यूज़ कीजिएगा घर में। तो आप पहले थोड़ा सा एक साइड पे लगा के देख लें, अगर आपके इचिंग वगैरह होती है लेमन जूस की वजह से, तो आप लेमन जूस की जो उनकी क्वांटिटी है वो कम भी कर सकते हैं। बिल्कुल आप 1 कप्पा डाल लें, तो फिर इससे जो है आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने ट्राई किया तो उसका रिज़ल्ट आपको कैसा मिला। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।